कहते हैं पहला घर होना हर किसी का सपना है और इस सपने को हकीकत में तब्दील करने में हम आपकी मदद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला घर और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपेक्स अल्फाबेट सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ये 3 BHK अपार्टमेंट्स जो बने हुए हैं 1629 स्क्वायर फुट एरिया में और ये एक MY1 कंस्ट्रक्शन है। आइए आपको आपका घर दिखाते हैं। घर में एंटर करते ही सबसे पहले हमारी निगाहें पड़ती हैं इस लिविंग एरिया में। ये बना हुआ है 10.5 बाई 15 फीट में। यहाँ पर आप 5 to 6 सीटर काउच विद अ सेंटर टेबल आराम से अरेंज कर सकते हैं। पीछे वाली वॉल आप डेडिकेट कर सकते हैं अपनी फेवरेट थीम के लिए, जहाँ पर आप अपने फेवरेट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स या फिर आर्टिस्टिक पेंटिंग्स हैंग करेंगे। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये एरिया जिसे आप एज अ पूजा रूम यूज कर सकते हैं। ये बना हुआ है 6 बाई 4 फीट में। यहाँ पर आप अपनी रिलीजियस पेंटिंग्स या फिर इसे एज अ पूजा घर ही यूज कर सकते हैं। इसी से अटैच्ड आपको मिलती है एक बालकनी। लिविंग एरिया से अटैच्ड आपको मिलता है ये डाइनिंग एरिया जो बना हुआ है 10 बाई 11 फीट में। यहाँ पर आप 4 to 6 सीटर डाइनिंग टेबल आराम से अरेंज कर सकते हैं। ऑल्सो इसकी कनेक्टिविटी है किचन से, सो दैट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो खाना बना के सर्व करने में। आइए अब आपको दिखाती हूँ ये किचन। ये बना हुआ है 10 बाई 7 फीट में। यहाँ पर आपको एल शेप्ड ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म एंड डेडिकेटेड डिश वॉशिंग एरिया प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे की तरफ आप अपना मनचाहा मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हैं। ऊपर की तरफ स्टोरेज एरिया भी बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको चिमनी लगाने का स्पेस दिया गया है। अगर आप चाहें तो इस जगह आप अपना रेफ्रिजरेटर भी अरेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलती है एक यूटिलिटी बालकनी जहाँ पर वॉशिंग मशीन लगाकर आप वॉशिंग का काम भी कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम दिखाने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो अभी तक लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो इतने सुंदर से घर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलेगा क्योंकि वहाँ पर आपके मतलब की सारी जानकारी उपलब्ध है, जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, प्राइस लिस्ट, लोकेशन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना अनिवार्य है। कॉमेंट सेक्शन में अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज बचती हैं तो आप वहाँ लिख सकते हैं। आइए अब आपको मास्टर बेडरूम दिखाती हूँ। ये है हेड ऑफ द फैमिली के लिए मास्टर बेडरूम जो बना हुआ है 14 बाई 11 फीट में। यहाँ पर आपको ये खूबसूरत सी वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस जगह आप एक क्वीन साइज बेड विद साइड टेबल आराम से अरेंज कर सकते हैं। उसके बावजूद आपके पास इनफ वॉकिंग स्पेस बच जाता है। इसी बेडरूम के साथ आपको वार्डरोब प्रोविजन मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी मनचाही खूबसूरत सी वार्डरोब कस्टमाइज करा सकते हैं। मास्टर बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम जो बना हुआ है 5 बाई 8 फीट में। यहाँ पर आपको अच्छे क्वालिटी की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज प्रोवाइड की जाएंगी विद प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने जरूरत का सामान आराम से अरेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलता है एक डेडिकेटेड शावर एरिया एंड अ विंडो फॉर क्रॉस वेंटिलेशन जिससे कि आपका वॉशरूम एकदम फ्रेश बना रहता है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे अटैच्ड बालकनी।
ये है आपके घर का सेकेंड बेडरूम जो बना हुआ है 13x11 फीट में। इसे आप अपने घर के एलडीज के लिए डेकोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक क्वीन साइज बेड विद साइड टेबल आराम से अरेंज कर सकते हैं। पीछे वाली वॉल पर आप अपनी फैमिली फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेंगी। इसी के साथ आपको यहाँ पर वार्डरोब प्रोविजन मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी मनपसंद वार्डरोब कंपोज करा सकते हैं। इस रूम से अटैच्ड आपको एक बालकनी भी मिलती है जो कि आपको थर्ड बेडरूम से कनेक्ट करती है। आइए आपको दिखाती हूँ। आइए अब आपको दिखाती हूँ इस रूम से अटैच्ड वॉशरूम। ये है आपके सेकंड बेडरूम से अटैच्ड वॉशरूम जो बना हुआ है 5x8 फीट में। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म मिलेगा टॉयलेटरीज रखने के लिए या फिर अपनी ज़रूरत का सामान रखने के लिए। इस जगह आपको मिलता है डेडिकेटेड शावर एरिया, ऑलमोस्ट वॉल टू वॉल टाइल्स एंड इसी के साथ आपको प्रोवाइड की जाती हैं अच्छी क्वालिटी की बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरीज। प्लस आपको मिलती है ये विंडो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए सो दैट आपका वॉशरूम फ्रेश बना रहे। ओवरऑल ये वॉशरूम देखने में काफी स्पेशियस एंड एलिगेंट है। ये है आपके घर का थर्ड बेडरूम जो बना हुआ है 10x11 फीट में। इसे आप अपने बच्चों के लिए डेकोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बंक बेड और स्टडी टेबल आराम से अरेंज कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। इसी के साथ आपको यहाँ पर वार्डरोब की प्रोविजन मिल जाती है। आप यहाँ पर अपना मनपसंद वार्डरोब कंपोज करा सकते हैं। इस रूम से अटैच्ड आपको एक बालकनी भी मिलती है जो आपको सेकंड बेडरूम से कनेक्ट करती है। आइए आपको दिखाती हूँ। ये है आपके घर का कॉमन वॉशरूम जिसे आप लिविंग कम डाइनिंग एरिया से एक्सेस कर सकते हैं। ये बना हुआ है 5x7 फीट में। यहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की बाथ फिटिंग सैनिटरीज प्रोवाइड की जाएंगी। प्लस आपको यहाँ पर मिलता है एक प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपनी जरूरत का सामान अरेंज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिलती है एक विंडो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए और डेडिकेटेड शावर एरिया। अल्फाबेट सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। यहाँ से लगभग 2 मिनट की दूरी पर गौर सिटी मॉल, 5 मिनट की दूरी पर स्कूल हॉस्पिटल, 10 मिनट में मेट्रो स्टेशन, आधे घंटे में रेलवे स्टेशन और 1 घंटे की दूरी पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, एम्फीथिएटर, किड्स प्ले एरिया जैसी कई सारी सुविधाएं आने वाले टाइम में प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दिखाया हुआ ये घर आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और तो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा। मुलाकात होगी अगली बार ऐसे ही किसी शानदार घर के साथ। देखते रहिए पहला घर।